You're a famous man. MashaAllah. Thank you. MashaAllah. Thank you. 3 million, 3 million and 800. Yes, Pakistan. Pakistan. Zindabad. Assalamualaikum शपे गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहे थे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सोलो पाकिस्तानी बॉय इन कायरो इजिप्ट। और अभी मैं निकला हूँ अपने होटल से। मैंने होटल बुक किया हुआ है गार्डन सिटी में। दो एरियाज़ हैं अच्छे रहने वाले, एक जमल एक और एक गार्डन सिटी। बाकी जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर और रशी कंडीशंस होती हैं। Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. You are from India? I am from Pakistan. Pakistan? Yes. I have many friends from Pakistan. Many friends from Pakistan. अभी इस टाइम मैं अपनी ऊबर में हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ अल अज़हर मॉस्क। आज का दिन जो है मैंने वो इजी रखा था क्योंकि कल आप लोगों ने देखा था मैं रात बहुत लेट पहुँचा था, लेट नहीं सुबह सुबह पहुँचा था। तो मैं सो के उठाऊँ अभी तकरीबन 3 बजे में दोपहर के। अभी मौसम इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत हुआ है आज कायरो का। वैसे इजिप्ट बहुत गर्म मुल्क है। 15 to 20 मिनट। ओके, इजिप्ट की गलियों में भाई फुल ऑन एक्साइटेड। इजिप्ट बेसिकली ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इसका खूबसूरत माहौल है फिलहाल, तो मैं इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी एक वाइब ले रहा हूँ। अभी अल अज़हर मॉस्क जाते हैं। अल अज़हर मॉस्क इज इन इस्लामिक कायरो ना? Yes. इस्लामिक पार्ट ऑफ कायरो। ओके, अभी मैं आया हूँ अल अज़हर मॉस्क देखने के लिए। ये आपको नज़र आ रही है इसकी एक बड़ी, वैसे पूरा इजिप्ट ही बहुत हिस्टोरिकल है। इजिप्ट दुनिया के पुराने तरीन मुल्कों में से है, तो इसकी गलियों में फिरते हुए एक प्रॉपर एंशिएंट वाइब आ रही है। आप, मैं पता नहीं किस जगह पे हूँ, जो मतलब क्या कुछ यहाँ पे आया होगा, क्या कुछ गया होगा। हज़ारों साल की इस मुल्क की, इस शहर की हिस्ट्री है। क्या बात है यार, मतलब बिल्कुल एक अलग सी कोई जगह लग रही है ये मुझे। ये दीवारों के ऊपर कुछ चीज़ें वही सीमेंट से लिखी हुई हैं जो मतलब इस तरह खुरी हुई हैं ऐसे लग रहा है। अल अज़हर मॉस्क जिसको AD 970 में तामीर किया गया था, और ये कायरो की पुरानी तरीन मस्जिद होने के साथ साथ दुनिया की दूसरी पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। अल अज़हर मॉस्क एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से मुसलमान तालीम हासिल करने आया करते थे और आज तक आते हैं। Egyptian food here. Meat? No, Egyptian food, rice and bread and sauce, tomatoes. Okay. ऐसी गोश्त खाना ले लो। Egyptian. चाम्पें? What? मॉस्क के बाद में आया हूँ यहाँ पे। इस तरफ मेरे खानिल खलीली मार्केट है, इजिप्ट की एक मशहूर तरीन मार्केट की। अगर आप कायरो आए हो तो खानिल खलीली एक मस्त जगह है। और वो बाकी मैंने एक झलक अभी मैं देख के आया हूँ, बहुत खूबसूरत वो बाज़ार है, उस तरफ भी जाता हूँ। चलिए, ठीक है, साथ में कोफ्ता लैम्प, ये सीख कबाब में कोफ्ता बोल देना, और साथ में ये ब्रेड है, तहीनी सॉस है। अभी खाना टिकाएगा भाई, ओए ठंडी यख ब्रेड भाई, पहले तो तहीनी में लगा दो, मेरी फेवरेट। ये तो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे तहीनी सॉस होती है। YouTube. What's your name in YouTube? And welcome Egyptian. What's your name, sir? Thank you. This is my channel. My channel. Yes.
इजिप्शियन सब्सक्राइबर बना लिए हमने. यू फेमस मैन माशाल्लाह. थैंक यू माशाल्लाह. थैंक यू. 3 million एंड 800 यस 3 million व्यूज. या या माशाल्लाह. एक्सक्यूज मी एंड आई हैव यूट्यूब एंड माय नेम इज व्हाट्स योर नेम. हमजा. Hamza, you good the name. Yes, thank Lovely you. Lovely name, Mr. Hamza, and welcome in Hussein, welcome in Al-Qahira. Thank you. And you good man, Mr. Hamza. Thank you. You good man. Welcome Egyptian. My name is In Muhammad. Oh, my nice, name is nice name. In YouTube, Mido Abu Mazin in Arabic. Okay, okay. Paane se selfies chal piyan hai. Chalein ji. Yeah, yeah. Photo? One photo ke two photo? One photo, 10 rupiah. Good, سيدنا الحسين ونبينا يعطاها. Total bill मेरा बना 190 Egyptian pound. शाम का time हो चुका है तो मैं अभी एक walk करूँगा खान अल खलीली market की और मैंने switch कर लिया GoPro पे. दूसरा camera मेरे पास है ताकि आपको हर चीज़ उसकी नज़र आ सके. ये तो अपना अनारकली बाज़ार है लेकिन बहुत एंटीक चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिस तरह इनके इजिप्शियन मम्मीज़ और पिरामिड्स, उस तरह की वो चीज़ें सारी बना के इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं. खान अल खलीली. ओ यार, ये इस शायद यहाँ पे ये शॉप है. इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे पढ़ा था लेकिन नहीं, इस पे चीज़ें कम पड़ी हुई हैं. ये हाँ, इस तरफ. ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत है यार चीज़ है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट. ये आप ऊपर चेक करो, इस तरह एक प्रॉपर आपको एंशियंट वाइब आती है. और खान अल खलीली जो है ये बहुत पुराना बाज़ार है. ये मतलब जब से ये कायरो की हिस्ट्री है तब से इस बाज़ार का नाम इसके साथ है. पढ़ो ले लमकायो इन्हें. ये सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर क्या कमाल आर्ट वर्क हुआ हुआ है यार. Pakistan Zindabad. किसी भी जगह को सही एक्सप्लोर करने के लिए, थैंक यू, किसी भी जगह को सही एक्सप्लोर करने के लिए उसका रूल है कि वहाँ का लोकल आपके साथ हो. तो मैं क्यों नहीं ये कर रहा, करूँगा भाई. आज मैंने अपना रिलैक्सिंग डे रखा हुआ है, कल मेरे साथ इजिप्शियन लोकल गाइड होगा, फिर हम दोबारा बाज़ार में आएंगे. और अभी इस तरह ये जो जगह हैं, इतना एंशियंट वाइब्स हैं, इतनी पुरानी हिस्टोरिकल ये बाज़ार हैं. वैसे आप इनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या था, क्या हिस्ट्री थी. हालांकि मैंने इसके बारे में सारा पढ़ा हुआ है, मुझे पता है चीज़ें, लेकिन मैं वो बता इसलिए नहीं रहा कि आपको ऑथेंटिक चीज़ पता लगे जब गाइड बताएगा. उबर की हाल है बशीर? मुझे मोटरसाइकिल पे बैठना सिखा रहे हैं ये भाई. इन्होंने की पता सी पाकिस्तान दे पापियाँ. उबर कार की ऑप्शन थी मेरे पास लेकिन मैंने सोचा कि बाइक पे जाता हूँ, चेक करते हैं बाइक का एक्सपीरियंस इजिप्ट के अंदर. मैंने सिर्फ शुगर के लिए उबर बाइक करवाई थी. इतना रश है कि मैं शुक्र कर रहा हूँ कि मैंने बाइक करवाई है, गाड़ी पे देर लगनी थी तो बिचों बिचों जाना शूकदा. How much? 20 yeah. 20 yeah okay
उन्हें रियायत कर। ये गए उबर वाले भाई साहब, यार यहाँ पे कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल है क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को आती है जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। उबर या किसी भी लोकल से कम्युनिकेट आपने करना है तो आपको अरबी आनी चाहिए क्योंकि उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। सानू भी टूटी फूटी आती है लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही नहीं आती थे, सानू अरबी भी नहीं आती। ये काफ़ी मसला है यहाँ पे। कसरे नाइल ब्रिज, जिस तरफ आपको सारा नाइल रिवर नजर आ रहा है, दरियाए नील की कहानियाँ आपने सुनी होंगी लाजमी, हजरत मूसा वाली, तो मैं इसको फील करने के लिए आया हूँ। और वैसे भी आप अगर कायरो कभी भी कोई आए तो कसरे नाइल ब्रिज की जो वॉक है वो मस्त है। अभी ये सामने सारे क्रूज़ हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, क्रूज़ डिनर कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रोमानवी माहौल होता है। मैं सिंगल लौंडा हूँ, मैं जाके क्या करूँगा। तो खैर बस अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दरियाए नील को और इस ब्रिज को। ये नाइल रिवर के उस साइड पे जितना भी आपको एरिया सारा नज़र आ रहा है, ये है डाउनटाउन और कायरो की वो वाली साइड। और इसके इस तरफ ये जितना भी एरिया ये वाला है, ये जमा लेक है। और जमा लेक जो है वो एक तरह से आइलैंड कह सकते हैं आप, इसके एक मतलब ये बीच में एक एरिया बना हुआ है। जमा लेक में मैं वर्कशॉप करता रहा, करते करते भाई आया अपना दिन एंड करने के लिए। एक ज़रा अच्छे से कैफे पे मैंने सोचा बैठ के खाना शाना खाते हैं, वहाँ दिन एंड करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इजिप्ट आके मैंने आपको पिरामिड्स क्यों नहीं दिखाई, तो पिरामिड्स का दिन कल है। हालांकि वो जहाज़ को मैंने पूछा भी कि ये अच्छा है कि नहीं, कहते सर इट्स आवर बेस्ट सेलर, चिकन बैंग बैंग इज बेस्ट सेलर। फर्स्ट डे इन कायरो इजिप्ट, वेरी गुड वेरी गुड। यार इस टाइम बाहर सर्दी अच्छी खासी वाली हो चुकी है। और क्या मेरा मज़ेदार दिन रहा है कायरो में, पहला आज भाई ने सही सोलो ट्रैवल का मज़ा चखा है। और क्या कमाल चीज़ है सोलो ट्रैवल यार, मतलब आप खुद ही बॉस हो। आज मैं फिरें खुली मज तरह, नो प्लान, बस मैं निकला हुआ था कहीं बीच बीच में गलियों में जा रहा था, मतलब मेरा आज जहाँ दिल कर रहा था मैं उस तरफ जा रहा था। ये भी एक मज़ा है सोलो ट्रैवल, असल टेस्ट जो है ना वो मैं लेने की कोशिश कर रहा था। खैर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी लिख करें भाई को दो में याद रखना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। 10:30 हो चुके हैं सुबह, जो हमारा ट्रिप है कायरो के अंदर ही बड़ा मज़ेदार किस्म का पिरामिड्स वो हमारा शुरू होना है 8 बजे, तो मुझे तकरीबन 6:30-7 बजे उठना पड़ेगा।